अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी रेसिपी है चने चाट की। देखा ना, मुँह में देखते ही पानी आ गया। आइए देखिए हमें किस तरह बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बाउल उबले हुए चने लिए हैं। इसको मैंने कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक गला लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करा था। अब हम अपने सूखे मसाले लेंगे। वहाँ मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और हमारा मेन सीक्रेट चाट मसाला, वो भी मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। अब हम इन सब मसालों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम अपने मसाले ऑयल में डालें तो हमारे मसाले जले नहीं। यह हमारा मसालों का पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। यहाँ मैंने ऑयल बहुत ही कम लिया है। इस रेसिपी में ऑयल बहुत कम लगता है। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1/2 चम्मच अदरक लिया है। अदरक मैंने घिस लिया है। आप अदरक को घिस के भी ले सकते हैं या फिर उसको बारीक बारीक कूट सकते हैं। हमारा अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सूखे मसाले जिसको हमने पानी की हेल्प से इसका पेस्ट बना लिया था। अब हम इनको तेल आने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमारे सरफेस पे तेल आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 पिंच सॉल्ट। यहाँ मैंने सफ़ेद नमक बहुत कम लिया है क्योंकि इसमें मैंने काला नमक भी ऐड करा है। अब मैं यहाँ पे अपने बॉईल किए हुए चने ऐड करूँगी और इन सभी मसालों में अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारे उबले हुए चनों पर जो हमारा मसाला डाला था हमने, वो अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, नींबू का रस। नींबू के रस के बिना हमारी चाट अधूरी है। आप इसको चाहे जितना भी खट्टा कर सकते हैं। अब हम इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ना कि हमारी चाट कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आ गए ना देख के मुँह में पानी। फ्रेंड्स, आप भी जल्दी जाएं और इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।